जय वसुंधरा। तो कैसे हैं आप सब? रक्षाबंधन आने वाला है, जिसका इंतज़ार हर वो बहन करती है जिसका भाई अपनी कलाई पर उससे राखी बंधवा कर बहन को उसकी रक्षा का वचन देते हैं। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का प्रतीक यह पर्व पूरे देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रंग बिरंगी राखी बांधती हैं, उनका मुँह मीठा कराती हैं और अपने भाइयों की आरती उतार कर उनकी सफलता, समृद्धि और लंबी उम्र की कामना करती हैं। वहीं भाई उपहार स्वरूप बहनों को उनकी रक्षा का वचन देते हैं। ये परंपरा बरसों से चली आ रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व हर वर्ष सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस साल पूर्णिमा तिथि 22 अगस्त दिन रविवार को है। यह सावन मास का आखिरी दिन होता है। साल 2021 में सावन के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 21 अगस्त की शाम 3:45 से शुरू होगी, जो कि 22 अगस्त की शाम 5:58 तक चलेगी। रक्षाबंधन उदया तिथि में अर्थात 22 अगस्त को मनाया जाएगा। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 6:16 से शाम 5:31 तक है। भद्रा का समय 22 अगस्त को सुबह 6:15 पर समाप्त हो जाएगा। भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भद्रा और राहु काल के समय कोई भी शुभ काम नहीं किए जाते। भद्रा के समय राखी न बांधने के पीछे एक पौराणिक मान्यता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई और एक वर्ष के अंतराल में ही उसका विनाश हो गया। इसीलिए इस समय को छोड़कर ही बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार भद्रा शनिदेव की बहन है और उन्हें ब्रह्मा जी का शाप था कि जो भी भद्रा में शुभ काम करेगा उसका फल अशुभ ही रहेगा। इसके अलावा राखी बांधने के लिए राहु काल का समय भी शुभ नहीं होता। तो आइए अब जान लेते हैं कि राखी की थाली में क्या क्या होना चाहिए। थाली में सबसे पहले स्वास्तिक बनाएं, फिर उसे फूलों से सजा लें, फिर थाली में नारियल, हल्दी, रोली, अक्षत, मिठाई, जो भी आपके भाई को पसंद हो वो रख लें। आरती का दीपक, रक्षा सूत्र, जल से भरा एक लोटा रखकर थाली को सजा लें। अब देखते हैं कि राखी बांधने का सही तरीका क्या है। सुबह बहनें स्नान आदि करके नए कपड़े पहने और जब तक भाई को राखी ना बांध लें तब तक भाइयों के लिए उपवास रखें, कुछ ना खाएं। भाई लोग भी नहा धोकर ही राखी बनवाएं। सबसे पहले जमीन को शुद्ध करके वहां पर चौक पूरें, फिर उस चौक पर जल से भरा एक कलश स्थापित करें। कलश के ऊपर नारियल व आम के पत्ते रखें। कलश के आमने सामने दो आसन बिछा लें। एक आसन पर खुद बैठें और दूसरे पर भाई को बिठाएं। इसके बाद भाई का हल्दी, रोली, अक्षत से तिलक करें। तिलक करते समय ध्यान दें कि भाई का सिर रुमाल या टॉवल से ढका होना चाहिए। फिर भाई की दाहिनी कलाई में राखी बांधें। कुछ लोग भाई को सीधा राखी बांध देते हैं, पर ध्यान रखें कि राखी बांधते समय भाई का हाथ खाली ना हो। इसीलिए भाई के हाथ में नारियल या पैसे या अक्षत, इनमें से कोई भी एक चीज़ जरूर होनी चाहिए। राखी बांधने के बाद भाई का मुंह मीठा कराएं, फिर उनकी आरती उतारकर उनकी लंबी उम्र की कामना करें। बदले में उपहार स्वरूप भाई अपनी बहन को कपड़े, पैसे या कोई भी उपहार जो बहनों को पसंद हो उनकी रक्षा के वचन के साथ उन्हें दें। आशा है जानकारी अच्छी लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें। धन्यवाद।